नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा रहेगा आपके लिए 1 से लेकर के और 7 जून तक की ग्रह गोचरीय स्थिति। मित्रों, हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो टीवी इंडिया के नाम से। आप हमारे इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दैनिक राशिफल देखने व सुनने को मिलेगा, जहाँ मैं डेली बेसिस की गोचरीय स्थिति से आपको अवगत कराता हूँ। मित्रों, यह जो सप्ताह रहेगा इसमें मूल रूप से 2 ही ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है 1 से 7 जून के दौरान। एक तो बुध का, जो 3 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री हो जाएंगे। दूसरा मंगल का, जो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2 तारीख को और वो नीच के हो जाएंगे। अब इन 2 का प्रभाव तो पड़ेगा ही, और साथ में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति। तो जैसे दिनांक 1 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे, 2 को भी कुंभ में रहेंगे, 3 तारीख को दोपहर में 12 बजे ये मीन में प्रवेश करेंगे, उसके बाद फिर 4-5 मीन में ही रहेंगे और फिर 6 तारीख को मेष में चले जाएंगे। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई ग्रह नीच होता है तो उस ग्रह के पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों का वो डिपार्टमेंट लेता है, उन सब के फल में कमी करता है। जैसे मंगल जो ग्रह है, इसके पास साहस पराक्रम है, नीच होगा तो पराक्रम में भी नीचता आएगी, यानी कि गुस्सा आएगा तो एक्सट्रीम लेवल पर आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे ही यहाँ पर जो मंगल है, रोग के रूप में जो हमें बीमारियाँ देता है, वो रक्तचाप की, पित्त की, जलन की, रक्त की, कुष्ठ रोग की, मांसपेशियों से संबंधित, गुर्दे में तकलीफ आना, पेट से लेकर के पीठ तक की जो समस्याएं होती हैं, ये सब मंगल के द्वारा होती हैं। कोई चोट लगना, चेचक से, खसरे से संबंधित जो बीमारी होती है, ये मंगल के द्वारा होती है। अब मंगल कार्य के रूप में बात करें तो किस प्रकार के कार्य कर रहा है, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, रक्षा विभाग से, अग्नि से संबंधित कार्य कराता है। खिलाड़ी है, एनर्जेटिक है, क्योंकि तो खेल कूद, बॉडी में एनर्जी ये सब जो होती है मंगल से चलती है। अच्छा सर्जन है, डेंटिस्ट है, सेना पुलिस से संबंधित कार्य कराता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस मंगल के पास है, तो कहीं ना कहीं इसके नीच होने से इन सभी चीज़ों के फल में तो कमी देखने को मिलेगी, कोई ना कोई दुष्प्रभाव पड़ेंगे। मित्रों, बुध का जो परिवर्तन होगा दिनांक 3 तारीख को, यानी कि पहले 2 दिन बुध बहुत बढ़िया फल देंगे, और जिन राशियों की मैं बात करूंगा इनमें से किसी के लिए राजयोग भी बनाएंगे। पर जब वृषभ राशि में वक्री होंगे 3 तारीख से, तो इनका वक्री होना बुरा नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे चर्चा करते हैं सबसे पहले कर्क राशि की। तो जितने भी दर्शक इस समय मुझे कर्क के सुन रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा बनते हैं। आपको जो सावधानी बरतनी होगी वो एक नहीं 2 तरीके से बरतनी है, क्योंकि एक तो राशि का स्वामी स्वयं आपका डाउन रहेगा 1, 2 और 3 तारीख की दोपहर में 12 बजे तक, क्योंकि वो आपकी राशि का स्वामी होकर अष्टम भाव में रहेगा, और अष्टम भाव में रोग, चोट, तनाव, भय, भ्रम, ऐसी स्थिति बनती है, और साथ में गुरु महाराज भी होंगे। तो चंद्र गुरु की ये युति अष्टम भाव में जो बनेगी, तो शुभ ग्रहों का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं होता। तो कोई भी विशेष कार्य आपको अभी नहीं इस सप्ताह में करना, मैं तो सलाह दूंगा अभी पेंडिंग ही कर दें। दूसरी बात, अब यहाँ पर जब 3 तारीख दोपहर 12 बजे को चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी होकर अष्टम भाव से निकलेंगे और भाग्य में आ जाएंगे, ये एक स्थिति आपके लिए सुकून देह होगी। मैं इसको पूर्ण रूप से अच्छा तो नहीं बोल सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि 60% ठीक होगी, क्योंकि भाग्य में आ रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो कुछ रास्ते खोलेंगे। शुरुआत जरूर खराब होगी, पर बाद में कुछ कार्य बनने भी शुरू होंगे भाग्य के अनुरूप, परंतु दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। मित्रों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका ये कारण है कि आपकी स्वयं कर्क राशि में दिनांक 2 तारीख को जून में मंगल नीच के होकर के विराजेंगे और मंगलिक दोष बनाएंगे, और ऐसी स्थिति में केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं होगा,
केवल मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे होंगे। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके लिए ये सप्ताह कोई ज़्यादा विशेष लाभप्रद वाली सिचुएशन में नहीं है। 60-40 का रेशियो रहेगा जैसा मैंने बताया। आपके लिए जो 3 तारीख दोपहर 12 बजे से लेकर और 7 तारीख तक का समय, ये बेटर है और ये 60% बेटर है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर चेंज हो जाएगा और वो चेंज होगा दिनांक 6 तारीख को। तो 6 और 7 तारीख को मेष राशि में और वह भी दशम भाव में रहेंगे। यहाँ रह करके इनका केंद्रीय प्रभाव अपनी ही कर्क राशि पर रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल की जो नीचता वाला प्रभाव है वो भी कम होगा और एक मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। और जॉब में जो पहले 4-5 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, वो कंपैरेटिवली 6 और 7 तारीख को कम देखने को मिलेगी और एक सुकूनदेह स्थिति होगी। विद्यार्थियों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कि कोई भाग्य के भरोसे भी जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको यहाँ पर कोई विशेष फायदा होता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा। मित्रों, एक चीज़ कह सकता हूँ बिल्कुल निसंकोच भाव से आपके लिए, सूर्य की, बुध की और राहु की युति जो 3 तारीख से बनेगी, ये आपके व्यापार के लिए बहुत ही शुभ है और नौकरी के लिए बहुत शुभ है। आपको व्यापारियों और जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं उनको अकस्मात धन लाभ का एक योग बनेगा, पर शेयर मार्केट वालों की बात मैं नहीं कर रहा। तो इस प्रकार का एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। लव लाइफ और मैरिज लाइफ ये दोनों डिस्टर्ब रहेंगी, ये 100% कह देना चाहता हूँ। ऐसा क्यों, उसका कारण बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि मंगल शनि एक दूसरे को देखेंगे और मंगल लव का स्वामी है और शनि मैरिज का स्वामी, और दोनों एक दूसरे को देखेंगे और लव के घर में केतु बैठे हैं 5th हाउस में, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रिलेशनशिप डिस्टर्ब आपकी होगी, ये कहूँगा। मित्रों, अब इसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ और अब नेक्स्ट राशि की बात करते हैं जो कि सिंह रहेगी। जितने भी जातक इस समय सिंह के हमें सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो गोचरीय प्रभाव है उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी कर्म भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है आपके लिए। ये सप्ताह मेरे को बेटर दिखाई दे रहा है, अच्छा इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो शुरुआत है वो गज केसी राजयोग से होगी आपकी, और गज केसी राजयोग का बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दूसरी चीज़, कर्म भाव पर सूर्य का रहना आपकी राशि के स्वामी का, और 3 तारीख से बुध का भी सहयोग इसको मिलना, तो सूर्य बुध राहु की युति में एक स्थिति मजबूत बनती है, पैसा आता है, कर्म की गति मजबूत होती है। तो आपके लिए 1st, 2nd और 3rd तारीख की दोपहर तक की जो स्थिति रहेगी, यानी कि जो 2.25 दिन हैं, ये काफ़ी अच्छे रहेंगे और इन 2.25 दिनों में आपको काफ़ी गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद चंद्रमा आपके खर्च के स्वामी होकर अष्टम में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य के प्रति, कि हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा आपसे यदि मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो फाइनेंस के नज़रिए से पहले 3 दिन बहुत अच्छे हैं, आपको आर्थिक रूप से लाभ पहले 3 दिनों में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कर्म का और लाभ का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कर्म और लाभ जब एक दूसरे के घर में बैठे हों तो ऐसे में हमारा समय अच्छा निकल ही जाता है, और विशेष रूप से अंतिम दिन आपके लिए यानी कि 7 तारीख का अच्छा रहेगा। तो कह सकते हैं धन के लिए, लाभ के लिए, कर्म के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए ये ठीक है, पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इस नज़रिए से आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, अब आपसे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कन्या। जो भी जातक इस समय मुझे कन्या के सुन रहे हैं, उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा मैं कि आपकी राशि के स्वामी भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठेंगे, तो ऐसी स्थिति में पहले 3 दिन आपके राज्य में प्रतिष्ठा के लिए, इसके अलावा आपके रुके हुए कार्यों के लिए, पिता के सुख के लिए, आजीविका के साधनों के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, नेतृत्व क्षमता के लिए,
ऐसी सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जॉब में भी एक स्थिति ठीक बनेगी, यहाँ ये तो मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा पहले सवा दो दिन में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी आपको बरतनी है। 3 तारीख दोपहर 2 बजे के बाद में स्वास्थ्य कुछ बेटर होना शुरू होगा आपका, और आपका निजी जीवन भी बेटर होना शुरू होगा। पहले सवा दो दिन यानी कि 3 तारीख दोपहर 12 बजे तक स्वास्थ्य और मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से जो समय है वो अच्छा नहीं दिखाई देता। मित्रों, अब यहाँ पर जैसे ही बुध वक्री होंगे दिनांक 3 तारीख को और भाग्य में आएंगे, तो सूर्य राहु और बुध की एक युति बनेगी भाग्य के घर में। ये युति आपके लिए बहुत अच्छी है, और ये जो युति है आपको अकस्मात धन लाभ करा देगी, क्योंकि ये त्रिकोण में बन रही है नवम भाव में, और त्रिकोण में ही शनि भी हैं पंचम भाव में, और बुध के मित्र भी हैं शनि। तो यहाँ पर आपको कोई फाइनेंशियल गेन अकस्मात होता दिखाई दे रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसके अलावा मंगल जब नीच के होंगे, तो मित्रों ऐसी स्थिति में लाभ स्थान पर ये नीच के हो रहे हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, और वो ये है कि कन्या लगन में साहस पराक्रम विल पावर और साथ में आयु, इन दोनों डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेके वो लाभ में नीच के हो रहे हैं। तो आपको अत्यधिक विश्वास धोखे किसी से मिल सकते हैं, घनिष्ठ व्यक्ति से। स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। मित्रों, बाकी ओवरऑल ये सप्ताह ठीक है। अब अगर इसका मैं ओवरव्यू दूँ आपको, तो ये कहूँगा कि कर्म के लिए, भाग्य के लिए, जॉब के लिए, धन लाभ के लिए ठीक है, पर निकट के लोगों से तनाव और हेल्थ के लिए उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा। पहले सवा दो दिन मैरिज लाइफ के लिए ठीक नहीं है। 3 तारीख दोपहर में 12 बजे से पर्सनल लाइफ के लिए भी ग्रह गोचर पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो गोचरीय प्रभाव है वो यहाँ पर दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहूँगा। मित्रों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।